दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त माजून बनाकर लेकर आया हूँ। यह माजून 43 तरह की जड़ी बूटियों से मिलकर बना है और उसके बाद में जड़ी बूटियों को कूटने के बाद इसमें शहद को मिला दिया गया है, जिससे ये माजून बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है। इस माजून को खाने के बाद उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जिन नौजवानों ने अपनी जवानी को अपने हाथों बर्बाद कर लिया है, यानी गलत संगत में पड़कर बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया, और ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से लिंग की नसें और पट्ठे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, लिंग सिकुड़कर छोटे के बच्चे जैसा हो गया है। तो दोस्तों घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपकी टाइमिंग ज़ीरो है, बीवी के पास जाते ही चिपचिपा पानी निकलता है और लिंग ढीला पड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनकी शादी हो गई है एक दो धक्कों में ही फारिग हो जाते हैं और बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाते, बीवी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जो मैंने आपको माजून दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये बहुत ही पावरफुल माजून है। और मेरे भाई कुछ ऐसे होते हैं कि भाई मेरे कहते हैं कि हमने जो है रेडीमेड दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं, स्टोरों की हमदर्द की या और जो दवाइयाँ होती हैं दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से भी आराम नहीं मिला। तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये माजून मेरा खुद का बनाया हुआ माजून है, ये बहुत ही पावरफुल माजून है, आपकी मर्दाना कमज़ोरी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। अगर आपका लिंग चाहे कितना भी छोटा हो, बिल्कुल छोटे के बच्चे जैसा हो, तो दोस्तों छोटे बच्चे जैसा भी लिंग अगर आपका हो गया है तो आपके लिंग के साइज को बढ़ाएगा, लिंग के में जो बारीक बारीक नसें होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा, जिससे लिंग का साइज भी बढ़ जाएगा। और अगर आपका वीर्य पतला है तो वीर्य को भी गाढ़ा करेगा, बिल्कुल फेविकोल जैसा वीर्य निकलेगा जब आप करोगे। और जैसे जो भाई कहते हैं कि एक दो धक्कों में ही फारिग हो जाते हैं, दोबारा मन नहीं करता, तो दोस्तों बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। चार चार पांच पांच बार आप करोगे, ढीलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा, कमजोरी महसूस नहीं होगी, तनाव में बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी, और जो चिपचिपा पानी निकलता है वो बिल्कुल निकलना बंद हो जाएगा, और जो संभोग करने के बाद में जो कमजोरी शरीर के अंदर आ जाती थी, कमर में दर्द, पैरों में दर्द रहने लगता था, थकान सी महसूस होती थी, तो दोस्तों बिल्कुल